कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जिला कलेक्टर शशांक मिश्र ने 25 तारीख तक लॉकडाउन घोषित किया है, लेकिन आम जनता आज सुबह से ही घर से बाहर निकल गई और शहर में जो है लॉकडाउन की स्थिति देखने का वह आनंद उठाने लगी। लेकिन जिसके बाद पुलिस ने सभी लोगों को समझाइश देते हुए सख्ती से उन्हें बताया कि वे अपने घर जाएं और अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने घरों में रहें। आप देख सकते हैं कि जो दो चार गाड़ियां भी जो है अभी रोड से निकल रही हैं, लेकिन अभी स्थिति यह है कि जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं वहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं और ये जो नजारा है रेलवे स्टेशन का नजारा है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें पूरी तरह से थमी हुई है और स्टेशन पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि कोई व्यक्ति स्टेशन पर प्लेटफार्म पर भी घूमता हुआ नजर नहीं आए। लेकिन आम जनता जो है सुबह से ही अपने घरों से निकल रही है। लोगों का कहना है कि वे कभी सब्जी लेने जा रहे हैं तो कभी अस्पताल का बहाना बना रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मी उन्हें समझाइश देकर बता रहे हैं कि अपने परिवार की रक्षा अगर आपको करना है तो आप स्वयं घर में रहें। किस तरह की समझाई दी जा रही है आम जनता को? हमने आम जनता को ये बोला है कि ये एक सुरक्षा का मामला है और आप लोग अपना सामाजिक दायित्व निभाएं, खुद घर पे नहीं निकले जब तक अति आवश्यक नहीं हो। तो आप भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। अति आवश्यक होने पर घर का एक ही आदमी निकले और वो भी अपना काम निपटा के तत्काल वापस घर पे आए। यह एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे के छूने से या भीड़ इकट्ठी होने पर फैल रही है, तो सावधानी के बारे में हम इनको बता रहे हैं। आप अपने घरों में रहिए और सहयोग प्रदान करिए। बाहर निकल रही दुकानें भी कुछ खुली पाई गई थी, तो उसको किस तरह से बंद करवाया है? नहीं, किराने की दुकान है, दूध की दुकान है, जो अत्यावश्यक दुकान है वो तो है, लेकिन बाकी की दुकानों ने 90% तो स्वेच्छा से बंद है। कुछ लोगों ने खोली थी, उनको समझाइश दी, उन्होंने बंद कर दी है।